हमें तीन जार्स दिए हुए हैं राइट तीन जार्स हमारे जो दिए हुए हैं वो मिसलेबल्ड है दैट्स वाई इट्स बीन गिवन द नेम मिसलेबल्ड जार्स तो ए जार पे हमारा कैंडीज़ लिखा हुआ है बी जार पे हमारा स्वीट्स लिखा है एंड सी जार पे हमारा लिखा है मिक्सचर ऑफ बोथ कैंडीज़ एंड स्वीट्स इन अ रैंडम प्रोपोर्शन तो बेसिकली इस जार के अंदर हमारे कैंडीज भी हैं स्वीट्स भी हैं इन अ रैंडम प्रोपोर्शन और इसके अंदर सिर्फ स्वीट्स हैं इसके अंदर सिर्फ कैंडीज़ हैं तो हमें क्या करना है कि एक बार हम मतलब हमें जो वो दिया हुआ यू कैन पुट योर हैंड इन अ जार एंड पिक ओनली वन ईटेबल एट अ टाइम तो हम एक बार में एक ही ईटेबल को बाहर निकाल सकते हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ईटेबल्स दैट हैव टू बी पिक्ड इन ऑर्डर टू लेबल द जार्स करेक्टली सो बेसिकली हमें अपना अंदर हाथ डाल के ये चेक करना है कितनी बार हम अपना अंदर हाथ डाल के चेक करें सो दैट वी लेबल द जार्स करेक्टली तो हम इसको बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं अब आप मैं आपको रीजन भी बताऊँगी कि क्यों हमने ऐसे ही किया सो so बेसिकली हमने मिक्सचर के अंदर ट्राई किया पहले एक हमने कोई चीज़ निकाली सो फर्स्ट केस लेट सपोज मिक्सचर के अंदर जब हमने हाथ डाला जो मिक्सचर लेबल्ड था इट वॉज सपोजिडली लेबल्ड जो कि नहीं होता आंसर बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बीन लेबल्ड इन रॉन्ग तो या तो आंसर कैंडी होगा उसका या स्वीट्स होगा मिक्सचर तो होना ही नहीं वाला तो फर्स्ट केस में अगर मान लो हमारी कैंडी निकलती है फर्स्ट केस में अगर हमारी कैंडी निकलती है तो हम इसको कैंडी लेबल कर देंगे राइट right? क्योंकि स्वीट्स तो लेबल हो नहीं सकता वो और मिक्सचर तो ऑलरेडी लेबल्ड है और वो गलत है तो इट मीन्स कैंडी ही होगी उसके अंदर तो हम इसको कैंडी लेबल कर देंगे तो, तो मैंने इसको कर दिया लेबल कैंडी से अब ये क्या लेबल थे इनिशियली कैंडीज प्लस स्वीट्स अब ये स्वीट्स है ये मिक्सचर से ही तो लेबल हो सकता है बिकॉज कैंडी तो ऑलरेडी सी ने ले लिया तो इसको हम लेबल कर देंगे मिक्सचर से ठीक है और इसको अब बचा क्या स्वीट्स तो हम इसको लेबल कर देंगे स्वीट्स सो द आंसर इज़ वन हमें एक ही बार अपना हार्ट डाल के डिसाइड करना पड़ा कि आ, हमें किस तरीके से अपने जार्स को करेक्टली लेबल करना है अब आप बोलोगे कि यार सेकंड केस भी तो हो सकता है जिसके अंदर वी कैन गेट स्वीट्स तो अगर हमारा सेकंड केस में स्वीट्स निकलता है हम यहाँ पे स्वीट्स लिख देंगे ठीक है और इसकी जगह हम लिख देंगे मिक्सचर बिकॉज इनिशियली इट वाज लेबल्ड एज कैंडी अब वो स्वीट्स तो ऑलरेडी लेबल्ड हो गया तो उसके पास चॉइस क्या बची मिक्सचर की बची ना चॉइस और यहाँ पर हम लिख देंगे कैंडीज तो ऐसे हम करेक्टली लेबल कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि आपने मिक्सचर के अंदर ही क्यों ट्राई किया अब मैं एक और बार ड्रॉ कर लेती हूँ इसे तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है कैंडी स्वीट्स एंड मिक्सचर अगर हम अपना हाथ कैंडी में डालते हैं और अगर हमारी कैंडी निकल जाती है कैंडी निकल जाती है तो हम इन्फर कर सकते हैं दैट दिस इज़ अ मिक्सचर ठीक है दिस इज़ अ मिक्सचर अब ये देखो इस वाले केस में अगर हम पर्टिकुलरली इसका ही केस देखते हैं तो हमारा आंसर इंटरचेंज हो जाएगा ये हमारा बन जाएगा कैंडीज़ और ये हमारा बन जाएगा स्वीट्स ठीक है लेकिन अगर हमारा आंसर जो हम अंदर हाथ डाल रहे थे अगर हमारा अंदर हाथ डालने से कैंडी नहीं निकलता अगर हमारा कैंडी नहीं निकलता तो हमारा क्या निकलता स्वीट अगर हमारा स्वीट निकलता तो इसके अंदर स्वीट निकलता और लेबल कैंडी है तो अब आप हो जाते कंफ्यूज कि हमें क्या लेबल करना है तो ये स्वीट और ये मिक्सचर और कैंडीज़ ऑलरेडी लेबल था लेकिन हमने हाथ डाल के निकाला स्वीट तो वह आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि यार ये इसके पास दो चॉइसेस हैं ये स्वीट भी हो सकता है और ये मिक्सचर भी हो सकता है ठीक है क्योंकि अब दो चॉइसेस हैं ना क्योंकि लेबल कैंडी था तो या तो ये होगा या ये होगा अगर स्वीट्स नहीं क्योंकि मिक्सचर के अंदर भी स्वीट्स और कैंडीज़ हैं तो अब हम हो गए कंफ्यूज तो हमें दो बार या तीन बार ऐसे करके हाथ डालना पड़ेगा सिमिलरली अगर हम स्वीट्स वाले लेबल के अंदर अगर हम अपना हाथ डाल के चेक करते हैं तो अगर या स्वीट निकलता है तो हम फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे कुछ ही केसेस में जैसे अगर मान लो कैंडी में हाथ डाला और कैंडी ही निकलती है तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा हम फिगर आउट कर सकते हैं बट वी आर नॉट श्योर अगर स्वीट निकल गया बाय चांस तो हमारे पास ये दो केसेस आ जाएंगे जिससे हम बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें बार बार चेक करके देखना पड़ेगा कि वॉट इज़ आर एक्चुअल आंसर बट ऑन द अदर हैंड इफ यू डायरेक्टली पुट आर हैंड इन टू द मिक्सचर देन इट्स सुपर इजी फॉर आस No matter what the condition is, no matter whether it's a candy or no matter whether it's a sweet, the answer will be the same. We'll be able to label the jars correctly. So, uh ye question aise solve karna hai. I think you understood it, and if you understood it, then you can just type uh, yes in the comment box. And if you haven't, then just let me know what uh, what you didn't understand. And uh, that's it for this video. I hope to see you in the next one. Till then, bye bye.